अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील खान। और दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे कार्ट के अंदर। और मैंने आपसे वादा किया था कि दो वीडियोस में हम कवर करेंगे अपना प्रोजेक्ट, लेकिन सॉरी, ये पॉसिबल नहीं हुआ। और रीज़न ये था कि मैं ख़ुद बीमार हूँ, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था लॉन्ग वीडियो बनाना। ठीक है, सो ये जस्ट 1 घंटे का वीडियो है, सो लॉन्ग वीडियो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, सो मैंने वीडियो को स्टॉप किया 1 घंटे के बाद। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस तरह किया है कि प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं कार्ट के अंदर। अब लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ इस प्रोडक्ट को, ऐड और इसको, इसके अलावा इसको, सो अगर मैं ऊपर जाऊँ, सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव 3 क्वान्टिटीज़। अब दोस्तों लेट्स से अगर इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा ऐड करना चाहूँ, सो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास कार्ट के अंदर मौजूद है। सो ये दोबारा ऐड नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐड करूँ, सो ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये भी ऑलरेडी मौजूद है कार्ट के अंदर। अब मैं क्लिक करता हूँ इस कार्ट पे। ठीक है, सो दोस्त यहाँ पर देखें ना, वी हैव 3 प्रोडक्ट्स हो, वी हैव 3 प्रोडक्ट्स हो। यहाँ पर हमारे पास द प्रोडक्ट नेम हो, इसका इमेज हो, क्वांटिटी डिलीट बटन हो, इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइस हो। इसके अलावा मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करता हूँ, इसको और इसको भी। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ना, एंड वी हैव दीज प्रोडक्ट्स, वी हैव दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ तक हमने काम किया है इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे क्वांटिटी अपडेट पे, इसके अलावा डिलीट पे, और इसके अलावा यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे तमाम क्वांटिटीज, इसके अलावा टोटल प्राइस भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ कार्ड कंपोनेंट। सो मैं जाता हूँ इन टू कम्पोनेंट्स और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, इसका नेम होगा कार्ट डॉट व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली व्यू कम्पोनेंट लाइक सो। इसका नेम होगा नेम कोलोन कार्ट। ठीक है, सेव द फाइल। और मैं जाता हूँ इन टू नेव, वेयर इज नेव, राइट हेयर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है, वेयर इज दैट, यहाँ पर हमारे पास है ये SVG आइकन। ठीक है, ये असल में कार्ड आइकन था, एक बास्केट था, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं रैप करता हूँ एक लिंक के अंदर। सो मैं यूज़ करूँगा राउटर लिंक को, ये असल में हमें प्रोवाइड करता है व्यू JS। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ सिंपली यहाँ पे राउटर डैश लिंक को। ठीक है, ये एक हमारे पास टैग है और बिहाइंड द सीन ये यूज़ करता है HREP टैग हो, ये बिहाइंड द सीन HTML का HREP टैग यूज़ करता है। ठीक है, सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि व्हाट आई विल डू, आई थिंक यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये HREP टैग हमारे पास ऑलरेडी है, सो इसको मैं करता हूँ रिमूव। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जेड में करता हूँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। और मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ डिलीट हूँ इसको, और यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ राउटर डैश लिंक को। ठीक है, लिंक। अब दोस्तों यहाँ पर भी मेरे पास अपडेट हुआ, यहाँ पर देखे ना क्लोजिंग टैग हो, यहाँ पर ये भी अपडेट हुआ। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड हो और टू, ये असल में एक प्रॉपर्टी है राउटर लिंक का, इसको मैं बाइंड करता हूँ। ठीक है, इक्वल टू डबल कोट्स हो, और इसके अंदर मैं जस्ट डिपेंड करूँगा एक नेम। ठीक है, राउट का नेम यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा, और आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह से नेम राउट्स हम डिफाइन कर सकते हैं व्यू JS में। ये मैंने ऑलरेडी किया है अपने व्यू JS कोर्स में। सो यहाँ पर मैं डिपेंड करता हूँ नेम हो, कोलोन हो, सिंगल कोट्स हो, इसका नेम होगा कार्ट। ठीक है, कार्ट। अब जो मैंने क्रिएट किया है ये व्यू, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल से मैं जस्ट ऐड करता हूँ H1 कार्ट हो, सेव द फाइल। और मैं जाता हूँ एन टू राउटर, उसके बाद इंडेक्स डॉट JS हो। अब जो हमारे पास है ये अबाउट राउट हो,
इसको मैं जस्ट कन्वर्ट करता हूँ एन टू कार टू। सो दोस्त यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्लैश कार, ठीक है, स्लैश कार टू। अगर ब्रदर के अंदर मैं ऐड करूँ स्लैश कार टू, सो हमें मिलेगा ये व्यू, हमें मिलेगा ये व्यू, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया अपना फातो। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेट से ए बी सी एनीथिंग, बट इन माई केस कार टू, ठीक है। और यहाँ पर जो नेम है ना, ठीक है, यहाँ पर जो नेम है ना, ये बिल्कुल ये नेम होगा, बिल्कुल ये नेम होगा ये कार, ठीक है। कॉपी, और यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ, ये आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा। और कंपोनेंट हमारे पास लोड होगा कार डॉट व्यू, और ये फाइल मैंने क्रिएट की है कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ व्यूज़, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कंपोनेंट्स, उसके बाद होगा कार्टो डॉट व्यू, सेव द फाइल, इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। सो लेट से मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, और मैं क्लिक करता हूँ इस कार्ड आइकन पे। सो दोस्त यहाँ पर देखे ना, मुझे मिला ये फेज ऑफ कार, ठीक है, और हमारे पास कोई भी ब्रदर रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट्स कूल। अब लेट से अगर मैंने जाना है होम पेज पे, सो मैं इस तरह नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पर इस एरो आइकन पे मैं क्लिक करूँगा, मैं इस अमेज़न लोगो पे क्लिक करूँगा और मुझे मिलेगा होम होम पेज हो। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिंक वगैरह अभी तक नहीं है, सो मैं जाता हूँ एन टू अगेन न्यू डॉट व्यू, और इस लोगो को भी मैं रैप करता हूँ राउटर लिंक के अंदर। सो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड करता हूँ राउटर डैश लिंक को, और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट, और सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, वेरी सिंपल। और टू को मैं करता हूँ बाइंड हो, फिर यहाँ पर इक्वल टू डबल कोट्स हो, यहाँ पर ब्रेसेस हो, नेम। सो नेम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर, देखे ना हमारे पास ये नेम है होम, ये लेट मी कॉपी। और ये हमारे पास पाथ, यहाँ पर देखे ना स्लैश, जस्ट स्लैश, इसका मतलब है होम पाथ हो। अब मैं जस्ट ऐड करता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, सेव द फाइल, लेट मी गो टू द ब्राउज़र। अगर मैं क्लिक करूँ इस अमेज़न पे, यहाँ पर देखें ना हमें हमें मिला होम पेज, व्हिच इज़ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस तरह करता हूँ कि होम को मैं क्लोज करता हूँ, इंडेक्स को भी क्लोज करता हूँ। अब मैं जाता हूँ एंड टू पर नाउ वी आर इस प्रोडक्ट्स, ये वाला है प्रोडक्ट्स डॉट व्यू। अब दोस्तों इस बटन पे क्लिक करने के बाद कार्ट को मैं ऐड करूँगा एन टू शॉपिंग कार्ट, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद हो। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एट द रेट ऑफ साइन, उसके बाद क्लिक इवेंट हो इक्वल टू, और एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करूँगा स्टोर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, और वो फाइल स्पेसिफिक होगा फॉर कार्टो। हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल मौजूद है प्रोडक्ट्स डॉट जे एस, तो इसके अंदर हमारे पास जस्ट मौजूद है प्रोडक्ट्स डेटा। अब मैं दूसरा फाइल भी क्रिएट करूँगा जो हमारे पास होगा कार्ट डॉट व्यू, सॉरी डॉट जे एस डॉट व्यू, ठीक है। सो दोस्तों इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं स्टोर करूँगा कार्ड डेटा, ठीक है, यानी जितने कार्ड मौजूद प्रोडक्ट्स मौजूद है कार्ड के अंदर, कितने क्वांटिटीज़ है, कितना प्राइस है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम ऐड करेंगे कार्ड कंपोनेंट के अंदर। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास डॉट डबल है, सो नाउ लेट मी रीनेम इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्टो, वेरिएबल का नेम होगा कार्टो इक्वल टू ऑब्जेक्टो, इसके अंदर होगा स्टेट इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद हमारे पास होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट हो, उसके बाद गेटर म्यूटेशन एक्शन, नाउ लेट मी ऐड दैट। सो मैं डिपेंड करता हूँ गेटर्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा सिंपली, उसके बाद होगा म्यूटेशंस, ठीक है। नाउ व्हाट मोर, फाइनली एक्शंस, सो लेट मी ऐड योर कॉमा एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ एक्सपोर्ट हो डिफॉल्ट हो किस ऑब्जेक्ट को, कार्ड को, ठीक है, जो मैंने अभी क्रिएट किया है। अब इसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ सिंपली इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ इम्पोर्ट,
Cardo from, so in the same pile we have, in the same folder we have card, ठीक ठीक है, ये वाला कार्ड कैपिटल था असल में नेम, और यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ कॉमा कार्ड, सेव द फाइल। सो इसको अभी मैं सेव नहीं करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं इस तरह करता हूँ कि व्हाट आई विल डू, ये फंक्शन मैं कहाँ पे क्रिएट करूँगा यार, ये आई थिंक कार्ड के अंदर होगा, ठीक है यहाँ पे। सो एक्शन के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू कार आ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और जे एस ओ। दोस्तों मैं असल में 2 दिन हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैं बीमार था, सो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सो इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, ठीक है। सो मैं आपसे सॉरी करूँगा, मैं अब भी ठीक नहीं हूँ लेकिन स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास किस तरह होगा एक्शन, यहाँ पर तो एक्शन नहीं है लेकिन खैर मुझे थोड़ा याद है, यहाँ पे होगा लेट से एड टू कार्टो, और ये एक्सेस करेगा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास हो गया डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर करूँगा डिस्ट्रक्चर कमेटो, वी जस्ट नीड कमेट पर नाउ, ठीक है। एंड या तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, यहाँ पर पुल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ, लेट्स से ओबीजे एनीथिंग, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा आईडी, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है टू द कार्ड उसका आईडी यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। और एरो फंक्शन होगा, एरो या नॉर्मल फंक्शन वट एवर। सो अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट से मैं एक्सेस करूँगा कमेट, ठीक है कमेटो। सो मैं करूँगा ओबीजे डॉट कमेट कमेट, और म्यूटेशंस के अंदर मैं डिफाइन करूँगा एक फंक्शन हो, और वो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ। सो लेट्स से अगेन सेम नेम होगा ऐड टू कार्ड, इट डजंट मैटर अगर नेम सेम हो, ऐड टू कार्ड हो, और आईडी, ये आईडी भी मैं फास्ट करूँगा। सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ ऐड टू कार्ड, लेट मी क्रिएट कोलोनो, यहाँ पर एरो फंक्शन। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस करेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करेगा स्टेट हो यहाँ पे स्टेट, ठीक है, यानी ऊपर जो हमारे पास स्टेट है मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी ये स्टेट, इसके अंदर करंटली हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, सो डोंट वरी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा स्टेट हो, और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो वो हमारे पास है ये आईडी, सो वो हमें मिलेगा यहाँ पे। इसको मैं पेलोड एनीथिंग यहाँ पे मैं असाइन कर सकता हूँ लेट्स से, बट मैं करता सिंपली आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक मैं ऐड कर सकता हूँ। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट के अंदर मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी थिंक कि मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, और ये असल में एक एरिया होगा, इस एरिया के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास होगा टोटल प्राइस, ये भी हम ऐड करेंगे, एंड बिसार्ड दैट वी विल ऐड ऑन क्वांटिटीज एज वेल, सो क्वांटिटीज, सो ये हमारे पास होगा 0 इनिशियली, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पर 20 हमारे पास होगा 0 इनिशियली, ठीक है। अच्छा जी एरर है लेकिन डोंट वरी। अब यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, अब दोस्तों अगर मैं क्लिक करूँ एड टू प्रोडक्ट पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट्स एरिया के अंदर मैं चेक करूँगा कि आया वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं कार्ट के अंदर, अगर ऑलरेडी मौजूद है सो मैं दोबारा उसको ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नीड टू ऐड सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा, अगर ऑलरेडी मौजूद हो सो दोबारा मैं ऐड नहीं करूँगा, अदरवाइज मैं ऐड करूँगा।
सो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ कॉन्स्टो कॉन्स्टो यार वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं अपना कोड ओपन करता हूँ। मैंने कोड किया था पहले से थोड़ा सा कोड, लेकिन यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं बीमार था और मैंने काम नहीं किया है कई दिन से। यहाँ पर मैं आता हूँ चेक अगर ये मौजूद है स्टेट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं करूँगा प्रोडक्ट इक्वल टू स्टेट ओ डॉट ओ प्रोडक्ट्स ओ, मेरा मतलब है ये एरे। ठीक है, ये एरे प्रोडक्ट्स हो, और यहाँ पर मैं इस करूँगा डॉट फाइंड फाइंड फंक्शन। ठीक है, सो ये लूप चलेगा हर हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जो मौजूद है प्रोडक्ट्स एरे के अंदर। सो यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सो लेट्स से प्रो और उसके बाद एरो फंक्शन। सो प्रो डाटो, अब दोस्तों आईडी हमारे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ आईडी। यहाँ पर देखे ना ये आईडी, ठीक है। सो आईडी मैं चेक करूँगा, अब अगर आईडी इक्वल हो इस आईडी का जो यहाँ पर मैंने एक्सेस किया है, ठीक है, सो वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इफ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर मौजूद ना हो यहाँ पर हमारे पास होगा नल। सो यहाँ पर मैं चेक करूँगा एफ प्रोडक्ट हो, अगर ये इसके अंदर समथिंग हो, ठीक है, अगर समथिंग हो। सो यहाँ पर हमें क्या मिला है, जस्ट करो दोबारा करो रिटर्न द करंट स्टेट हो। सो वेरी सिंपल, रिटर्न स्टेट इसके अंदर जो भी है एल्जो, गो टू एल्जो और एल्स के अंदर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। सो सिंपली मैं इस तरह करूँगा, लेट मी चेक दोबारा, ये फॉल्स वगैरह मैं यहाँ पे क्लोज करता ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सेस करना है टोटल प्राइस हो, और उसको हम प्राइस असाइन करेंगे। इसके अलावा क्वांटिटी भी मैं एक्सेस करूँगा, सो वो हम करेंगे डोंट वरी। ठीक है, अच्छा जस्ट लेट मी थिंक। सो दोस्तों मैं इस तरह करता कि स्टेटो डाटो प्रोडक्ट्स हो, इसका मतलब है ये स्टेट हो, ये स्टेट हो, इसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट्स हो, इसको मैं करता हूँ अपडेट हो। सो मैं करता हूँ सिंपली मैं क्या करूँगा, लैपटॉप कभी कभार हैंग हो जाता है। इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट हो, अब इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी करंटली मौजूद है, ठीक है, सो मैं इस तरह करूँगा, मैं करूँगा वन थिंग मोर, सॉरी दोस्तों वन थिंग मोर, कार डेटा, यहाँ पर एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ और वो इस तरह है कि अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ एक की, लेट से कार्ड डेटा, और ये ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर हमारे पास होंगे ये तमाम डेटा। यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ इस तरह, ठीक है। अब इस कोड को भी मैं करूँगा अपडेट हो, स्टेट हो डॉट प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पर स्टेट डॉट हो कार्ट हो डेटा डॉट प्रोडक्ट्स हो, यानी इसके अंदर जो हमारे पास है प्रोडक्ट्स हो उस पर लूप चलाओ। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा कार्ड हो डॉट हो प्रोडक्ट्स हो नॉट प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पर मैं करूँगा सिंपली कार्ट हो डेटा इस तरह। ठीक है, अब दोस्तों कार्ट के अंदर जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है उस वो तमाम डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉपी करूंगा। सो मैं करूंगा डॉट 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 और मैं करूंगा स्टेटो डाटो कार्टो डेटा, और उसके बाद मैं अपडेट करूंगा। सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा व्हाट आई विल अपडेट हो, आई विल अपडेट हो दिस थिंग दिस प्रोडक्ट्स हो। सो मैं करूंगा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हो, और लेट मी थिंक, वन थिंग मोर,
प्रोडक्ट्स के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, जस्ट लेट मी थिंक अबाउट। दोस्तों वन थिंग मोर ऑन, इंस्टेड आई डी आई विल फास्ट पुल ऑब्जेक्टो, यानी प्रोडक्ट से या पर फुल ऑब्जेक्टो, यानी पुल प्रोडक्ट, ये पुल अप प्रोडक्ट मैं फास्ट करूँगा। सो अब इससे बाद में मैं एक्सेस कर सकता हूँ आई डी एनी थिंग, प्राइस हो, आई डी, क्वान्टिटी, कुछ भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं फास्ट करूँगा फुल प्रोडक्ट ऑब्जेक्टो। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं करूँगा, इसको मैं सिंपली मैं करूँगा पेलोड हो, ठीक है, और इसको भी करता हूँ पेलोड हो, और इसको भी करता हूँ पेलोड, और यहाँ पर मैं करूँगा पेलोड डॉट आई डी, ठीक है, पेलोड डॉट आई डी। सो इस पेलोड का मतलब हमारे पास होगा असल में ये प्रोडक्ट हो, ये, ठीक है, ये। अब इससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ आई डी एनी थिंग, ठीक है, वेरी सिंपली। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है ये की, ये इक्वल है एक एरे का। सो यहाँ पर मैंने किया, मैं करूँगा कोलोनो, और यहाँ पर एरे। अब इस एरे के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है वो तमाम मैं कॉपी करूँगा। सो मैं करूँगा डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ड डेटा डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, वो मैं कॉपी करूँगा, और उसके साथ मैं ऐड करूँगा एक न्यू ऑब्जेक्ट, और वो न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा व्हाट, वो हमारे पास होगा सिंपली आई विल एड हियर कॉमा एंड सिंपली पेलोड लाइक सो, वेरी सिंपली, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे टोटल प्राइस हो और टोटल टोटल क्वांटिटी क्वांटिटीज, ये भी मैं अपडेट करूँगा। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, हियर आई विल ऐड सिंपली आई विल ऐड कॉमा, और फिर मैं अब अपडेट करूँगा टोटल प्राइस की, ये असल में इक्वल होगा जो प्राइस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो प्राइस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो वो हमारे पास है स्टेटो डाटो कार डेटा डाटो टोटल प्राइस हो प्लस हो प्लस किया प्लस हो पेलोड डाटो प्राइस, ठीक है, क्योंकि इस पेलोड के अंदर हमारे पास तमाम डेटा मौजूद है अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटीज, सो नाउ लेट मी ऐड योर क्वांटिटी क्वांटिटीज क्वांटिटीज सॉरी क्या ऐड हुआ क्वांटिटीज लाइक सो। अब जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं एक्सेस करता हूँ, सो मैं करता हूँ स्टेट डॉट कार्ड डेटा डॉट क्वांटिटीज प्लस हो पेलोड डॉट वन मेरे ख्याल में, ठीक है, पेलोड डॉट वन एनी थिंग। सो मैं करता हूँ पेलोड डॉट वन, क्योंकि हमारे पास इनिशियल हमारे पास होगा क्वान्टिटी वन, और उसके बाद हम करेंगे क्वान्टिटीज अपडेट हो, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। सो नाउ लेट मी एक्सेस दिस फंक्शन ऐड टू कार्ड, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ कॉपी। अब इसको यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हियर फर्स्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन वेयर इज फंक्शंस की, हमारे पास नहीं है, तो मैं करता हूँ मेथड्स, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा मेफ एक्शंस, ठीक है, एक्शंस, यहाँ पर मैं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड मेफ एक्शंस, और इसे हम पास करेंगे एक एरे, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूँगा अपना फंक्शन ये वाला ऐड टू कार्ड। अब ये फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सिंपली, सो मैं ऐड करूँगा डबल कोट्स हो ऐड टू कार्ड, और इससे मैं सिंपली फास्ट करूँगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, वेरी वेरी सिंपल। अब लेट्स से
आई वांट टू एक्सेस कार्ड डेटा इनसाइड कार डॉट व्यू. सो हाउ वी कैन डू दैट. अच्छा जी, मैं करता हूँ रिफ्रेश पर नाउ. मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं. यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा क्वांटिटीज, ठीक है. यहाँ पे अब ये हमारे पास टू है, ये हमारे पास एक स्टेटिक क्वांटिटी है. सो इसको मैं जाता हूँ इनटू नेव, वेयर इज नेव, नेव. और मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली इम्पोर्ट एंड व्हाट आई विल एक्सेस मैप गेटर्स. यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर बी स्पेस, अदरवाइज आपको एरर देगा प्रेटियर वार्निंग. सो फ्रॉम व्यू एक्स, ठीक है. और दोस्तों मैं जाता हूँ टू कार डॉट जे एस ओ, और गेटर के अंदर एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ. लेट्स से ये होगा गेट कार्ट. और यहाँ पर एक फंक्शन होगा, ये एरो फंक्शन होगा, और बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस करेगा स्टेट. यहाँ पर हमें भी लिखा स्टेट, ठीक है, स्टेट. सो यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा रिटर्न स्टेट डॉट कार्ट डेटा लाइक सो, वेरी सिंपली. अब ये मैंने एक्सेस करना है कार्ड गेट कार्ट. लेट मी कॉपी. और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, कंप्यूटेड. अब चेक डॉट 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 मैप गेटर्स, आई थिंक गेटर्स है नॉट गेटर, गेटर्स, ठीक है. और यहाँ पर मैं पास करूँगा एरे, एरे के अंदर ये फंक्शन गेट कार्ट, ठीक है. अब यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं यूज़ करता हूँ टू सेट अप कर्ली ब्रेसेस गेट कार्ट डॉट. अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस करना है क्वांटिटीज लाइक सो. सेव द फाइल. ना लेट मी चेक, यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास जीरो है, जीरो बिल्कुल ठीक है. अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, लेट सी, ऐड नहीं हुआ यहाँ पे. सो क्वांटिटीज, लेट मी चेक द स्पेलिंग क्वान, इसको मैं कॉपी करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं. और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, आई थिंक ठीक नहीं था स्पेलिंग. यहाँ पे देखिए हमारे पास टू है, एग्जैक्टली फाइन. अब लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ अनदर प्रोडक्ट, लेट्स से दिस वन, दिस वन, दिस वन. अब हमारे पास होगी क्वांटिटीज, हमारे पास होगी फाइव हो. लेट्स सी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फाइव हो. अब दोस्तों लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इस बटन पे ऐड टू कार्ड, अब ये सॉरी यार, अब दोस्तों ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कार्ड के अंदर, ठीक है. सो अगर प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी कार्ड में का अंदर मौजूद हो, सो वो मैं दोबारा ऐड नहीं करूँगा. सो लेट्स यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखे ना स्टिल वी हैव फाइव हो. अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ स्टिल वी हैव फाइव हो, सो सेम प्रोडक्ट हमारे पास दो बार ऐड नहीं होगा, ठीक है. और हमारा कोड सक्सेसफुली हमारे पास वर्क कर रहा है, व्हिच इज फाइन एग्जैक्टली. अब कार्ड के अंदर मैं जाता हूँ कार्ड के अंदर, और क्वांटिटीज स्पेलिंग ठीक था ना, या बिल्कुल ठीक है. इसको मैं क्लोज करता हूँ और कार्ड के अंदर मैं आता हूँ. अब दोस्तों यहाँ पर एक चेक मैं लगाऊंगा, ठीक है. यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा, और चेक कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे होगा डेव vf इक्वल टू, अगर हमारे पास
मैं चेक करूंगा लेंथ टी के प्रोडक्ट्स एरे का, अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा हो देन डिस्प्ले समथिंग, अदरवाइज हो यहाँ पे हमारे पास होगा अनदर ड्यूटी एगो वी एल्सो योर कार्ड इज एम्प्टी, वेरी सिंपल। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा इम्पोर्टो मैप गेटर्स गेटर्स, क्या स्पेलिंग है गलत है, या गेटर्स इस तरह फ्रॉम व्यू एक्स। और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी और इसके अंदर होगा डॉट 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 मैप गेटर्स एरे डॉट नो सिंगल कोट्स, उसके अंदर होगा गेट कार्ट, गेट कार्ट या एग्जैक्टली कार्ड या गेट कार्ट, ठीक है मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा गेट कार्ट डॉट डॉट किया डॉट, असल में ये चीज़ हो प्रोडक्ट्स हो, सो प्रोडक्ट्स हो डॉट लेंथ हो, अगर ये ज़्यादा हो ज़ीरो से देन यहाँ पर डिस्प्ले करो समथिंग, लेट्स से यू हैव प्रोडक्ट्स, अदरवाइज ये मैसेज, ठीक है ये मैसेज, सेव द फाइल लेट्स गो। एंड यहाँ पर देखें ना यू हैव प्रोडक्ट्स हो, सो लेट्स से मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को एंड यहाँ पर देखें ना योर कार्ड एज एम टी विच इज़ परफेक्ट एग्जैक्टली फाइन। सो दोस्तों व्हाट आई विल डू, इस मैसेज को थोड़ा सा स्टाइल अप मैं करता हूँ। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक क्लास, वेयर आई विल ऐड क्लास, आई विल ऐड योर क्लास, ये किस तरह से होगा यार, यहाँ पे यहाँ पर नहीं सॉरी, इसके अंदर होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा लेट्स से कार्ड कंटेनर और इसके अंदर होगा ये मैसेज। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ स्कोप्ड सी एस एस डॉट कार्ड कंटेनर, इसका वेट होगा 1200 पिक्सल एंड इसका मार्जिन होगा ज़ीरो ऑटो, ठीक है। सो खैर मैं ज़ीरो नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ टॉप बॉटम से मैं करता हूँ 30 पिक्सल और योगा सेंटर में, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड में सेट करता हूँ वाइट, लेट मी सेव। यहाँ पर देखें ना इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन, ये 1200 प्रोडक्ट्स का कितना था ये मैं देख लेता हूँ, ये था ये कहाँ पे है, लेट मी गो टू ऐप, यहाँ पर मैंने डिपान किया था ये है 1300 पिक्सल, ठीक है। सो खैर यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंटेनर क्लास हो या बस मेरा वाला भी ठीक है जो मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ 1300 पिक्सल 1300 इस तरह, ठीक है एग्जैक्टली फाइन। और इसको मैं इशान करता हूँ पेडिंग भी, सो टॉप बॉटम तमाम अतराफ से होगा 20 पिक्सल तमाम अतराफ से इस तरह, ठीक है। Your card is empty. Understand which is fine. Exactly. लेकिन ये तो अमेजोन की तरह नहीं है मेरे ख्याल में, मैं जस्ट कोड कर रहा हूँ लेकिन अमेजोन के मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। सो लेट्स सी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ किसी प्रोडक्ट पे, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ लेट्स से एनीथिंग, वेयर इज एड टू कार्ड, यहाँ पे एड टू कार्ड एड हुआ यहाँ पे देखा ना इस तरह। और मैं एक और भी ऐड करता हूँ लेट्स से दिस वन, दिस वन, अब यहाँ पर मैं आता हूँ
हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा, हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले हमारे पास होगा, ठीक है, इस तरह का। सो नाउ लेट्स सी। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि जो कार्ड के अंदर जो हमारे पास डेटा है वो मैं लूप करता हूँ, ठीक है, वो डेटा मैं लूप करता हूँ। नाउ टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ राइट हेयर आई विल ऐड सिंपली व्हाट आई विल ऐड, H3 के अंदर हमारे पास होगा यहाँ पर जो मैसेज था वो था ये मैसेज शॉपिंग कार्ड हो। सो शॉपिंग कार्ड इस तरह, और बिलो दैट आई विल लूप माई डेटा। सो हियर आई विल यूज अ ड्यू टैग, और ये होगा वी फॉर, एंड यहाँ पर मैं लूप करूँगा गेट कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल आइटम इन साइड द कार्ड। सो वो होगा लेट्स से प्रोडक्ट एन। अब दोस्तों यहाँ पर देखे ना, स्टिल वी हैव दिस दिस एरर, ठीक है, एंड यहाँ पर देखे ना एलिमेंट एंड एट्रेशन एक्सेप्ट टू हैव वी बाइंड की। सो यहाँ पर एक की भी हमने एक्सेस करा, एक यूनिक की। सो टू डू दैट वी ऑलरेडी हैव आई डी, सो आई डी भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस तरह पेरेंथेसिस, यहाँ पे सिंपली कामा, एंड यहाँ पर मैं ऐड करता लेट्स से इंडेक्स एनीथिंग या ए बी सी एनीथिंग। अब दोस्तों इसके अंदर, इस इंडेक्स के अंदर हमारे पास होगा एक यूनिक की, और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ वी बाइंड, सो मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट जस्ट कोलोनो एंड की इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स पे देखे ना एरर हमारे पास चला गया व्हिच इज फाइन। अब हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगा। सो हमारे पास होंगे 3 कॉलम्स, हो एक कॉलम के अंदर हमारे पास होगा इमेज हो, और दूसरे के अंदर हमारे पास होगा ये तमाम इंफॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट का नेम हो, इसके अलावा क्वांटिटी को अपडेट करना, डिलीट बटन ऐड करना, और तीसरे कॉलम में हमारे पास होगा प्राइस, ठीक है, और इस साइड पे भी, लेकिन खैर ये हमारे पास होगा एक और कॉलम। सो मैं क्या करूँ यार, मैं ये लूप कहाँ पे यूज़ करूँ, वीएस कोड भी कभी कभार इस तरह करता है कि यहाँ पर क्लास में ऐड करता हूँ लेट्स से क्लास आई थिंक यहाँ पे होगा ड्यू क्लास रो, ठीक है रो, और क्लोजिंग टैग यहाँ से मैं करता हूँ कट, यहाँ पे पेस्ट, और इसके अंदर भी मैं ऐड करता हूँ एक रो, ठीक है। सो हमारे पास होगा कॉल डैश नाइन इस तरह, नहीं यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पे होगा मेरे ख्याल में, ठीक है, इस लूप के साथ होगा क्लास हो इक्वल टू कॉल डैश नाइन, और इसके बाद इस लूप के बाद हो, ठीक है, ये लूप है ये, इसके बाद हमारे पास होगा कॉल डैश 3। सो 3 प्लस 9 इक्वल टू 12, और ये मैं डिफाइन करता हूँ असल में यहाँ पे, रो तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डॉट कॉल डैश 3, इसका वेट हमारे पास होगा 25% हो, उसके बाद होगा कॉल डैश 9 हो, इसका वेट हमारे पास होगा, वेट तो होगा 75%, ठीक है, क्योंकि 75 हो प्लस 25 इक्वल टू 100% विच इज़ फाइन। सो फार नथिंग। सो अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पर इसके अंदर अगेन हमारे पास एक रो होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमारे पास एक रो होगा, सो मैं करता हूँ रो, और इस रो के अंदर हमारे पास होंगे थ्री कॉलम्स, यानी एक हमारे पास होगा इमेज के लिए, दूसरा होगा इन तमाम इंफॉर्मेशंस के लिए, और तीसरा होगा प्राइस के लिए। सो इमेज के लिए मैं लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल थ्री, इसके लिए भी कॉल थ्री, और इसके लिए मैं लूँगा कॉल 600। ये ठीक रहेगा? आई थिंक नो, इसके लिए हो कॉल टू, इसके लिए भी कॉल टू, और इसके लिए होगा कॉल 8, जिस तरह जाहिर है। सो मैं करता हूँ कॉल डैश टू, और फिर होगा डैश कॉल डैश 8, फिर होगा डॉट कॉल डैश टू। सो दोस्तों 2 + 8 + 2 इक्वल टू 12 हो। सो अब ये भी मैं यहाँ पर डिपेंड करता हूँ, एक होगा डॉट कॉल डैश टू, इसका वेट कितना होगा यार, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या स्पेलिंग है, कैलकुलेटर ये है कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं दूंगा, हमारे पास है 12 कॉलमों, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100% पे, ये मैंने को गलत की प्रेस की है यार, सॉरी, 12 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू जरबे 2। फार्मूला गलत है, फार्मूला असल में फार्मूला गलत है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने कहाँ पे यूज़ किया था ये यार। ये गलत था, लेकिन इसका पा ग्रे सिस्टम का फार्मूला, सो 12 डिवाइड बाय, या आई थिंक इस तरह मेरे ख्याल में है, 2 डिवाइड तकसीमे 12, क्योंकि हमारे पास है 12 कॉलम्स हो, ये आ गया, और अब ज़रबे 100, या बिल्कुल ये है, एग्जैक्टली ये है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंपली वेट 16.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 1 7, ठीक है दोस्तों। ये असल में एक फार्मूला है ग्रिड सिस्टम को क्रिएट करना, ठीक है, CSS में। सो अगर हमारे पास कॉल 2 हो तो इसका वेट इतना होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास है डैश डाटो कॉल डैश एटो, सो इसका कितना होगा, यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ, फार्मूला किस तरह, मैं तो दोबारा भूल गया हूँ यार, एटो डिवाइड बाय आई थिंक मैं ठीक हूँ 12 हो इक्वल टू जरबे 100, सो ये 66 हो, सो सिंपली 66 वेट 66 पॉइंट, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7% यहाँ पर लगाना पड़ेगा मस्ट यहाँ पे भी, ठीक है दोस्तों। यह हो गया हमारा काम, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसके अंदर होगा कार्डोन अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एम जी,
लेट्स से आई एम जी। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना इमेज नेम। सो वो मैंने किस तरह किया था वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। लेट मी कॉपी दिस होल थिंग एंड यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट इस तरह। सो एसेट्स के अंदर उसके बाद इमेजेस और उसके बाद प्रोडक्ट यानी ये प्रोडक्ट हो ठीक है एंड डॉट इमेज। सो लेट्स सी राइट हेयर, लेट्स गो टू होम पेज, लेट मी ऐड दिस प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट, लेट मी गो टू कार्ड, यू हैव नो प्रोडक्ट, ये क्या मंतिक है, यू हैव प्रोडक्ट या नो प्रोडक्ट, यू हैव प्रोडक्ट्स या यू हैव, लेकिन स्टिल वी हैव फाइल सब कुछ को मैंने सेव किया है, लेकिन मैं कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट टू F5 ठीक है, अभी इंशाल्लाह काम करेगा। ऐड ऐड यहाँ पर आता हूँ या एग्जैक्टली यहाँ पर देखें ना, वी हैव दीज टू इमेजेस, वी हैव दीज टू इमेजेस व्हिच इज फाइन एग्जैक्टली। सो लेट्स सी, इसके बाद हमारे पास होगा इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टाइल अप करता हूँ ठीक है, हम चलेंगे साथ साथ हो। और दोस्तों इसके अलावा नीचे मैंने यूज़ की है कार्ड कंटेनर्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर भी इस तरह इक्वल या बे क्लास, सेव द फाइल, लेट्स सी इस तरह ठीक है फाइन एग्जैक्टली। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक क्लास ने, हमारे पास ऑलरेडी है कार्डो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एम जी, लेट मी कॉपी, दिमाग खराब है ज़्यादा। इसके अंदर जो आई एम जी है उसका वेट मैं सेट करता हूँ 100 पिक्सल एंड हाइट ऑटो, ये कम होगा लेकिन लेट्स सी 120 सरा ठीक है। और इमेज का क्वालिटी मैं ख़राब नहीं करूँगा, सो मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट फिट कवर ठीक है कवर इस तरह ठीक है एग्जैक्टली फाइन। और नेक्स्ट मैं ऐड करूंगा इमेज का नेम, सो वो कुछ इस तरह से होगा लेट मी सी या इस तरह ठीक है। नाउ टू डू दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है सो पढ़ना वी डोंट नीड एनी लिंक को, इनसाइड राइट हेयर आई विल ऐड प्रोडक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम एंड या इस तरह मैं यूज़ करता हूँ यानी बेम मेथडोलॉजी में यूज़ नहीं करता हूँ बेम, इफ यू नो बेम, बेम हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सी एस एस में ठीक है, ये असल में हमारे पास है बेम मेथडोलॉजी, यहाँ पर मैंने उसकी है डबल अंडर स्कोर। सो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट नेम इस तरह ठीक है, और यहाँ पे होगा फी टैग हो डबल ब्रेसेस प्रोडक्ट डॉट नेम इस तरह ठीक है जिस पाइन एग्जैक्टली। और नीचे वी विल हैव इसका कलर फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ मैं सेट करता हूँ, सो प्रोडक्ट नेम लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखे ना ये मेरा दिमाग ख़राब करता है जब मैं नीचे करता स्क्रॉल हो तो ये कम नहीं करता है मेरे पास प्रोडक्ट नेम, इसके अंदर जो पी है उसका फॉन्ट साइज हो
खैर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कितना है। फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल और ये कलर है फर्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। ये कलर है एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, खैर हमारे पास लिंक नहीं है सो मैं इतने नहीं करूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरह एग्जैक्टली फाइन। फॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा है सो फॉन्ट वेट बोल्ड इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमारे पास होगा क्वांटिटी बटन टू डू दैट आफ्टर द फी आई विल ऐड अनदर रो, ठीक है अनदर रो। सो डॉट रो और इसके अंदर होगा हमारे पास इस तरह, एक होगा क्वांटिटी बटन, दूसरा हमारे पास होगा डिलीट बटन एंड फॉर दैट आई विल यूज कॉल डैश 6 एंड हियर आल्सो कॉल डैश 6। हमारे पास ये है कि नहीं, नो नहीं है सो मैं करता हूँ कॉल डैश 6 का वेट होगा 50%। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक सेलेक्ट इनपुट पीडो सेलेक्ट असल में, और इसके अंदर हमारे पास होंगे ऑप्शंस, ठीक है ऑप्शंस। और ऑप्शंस हमारे पास होंगे 1 से लेकर 10 तक, एक यूज़र क्वांटिटीज चूज़ कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ 0 यहाँ पर, सॉरी 0 नहीं 1 यहाँ पर B1। इसको मैं कॉपी करता हूँ 10 टाइप, सो कॉपी कॉपी 3 4 5 6 7 8 9 10 2 नौ 3 नौ 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 नाउ सिंपली 10। लेट्स सी इस तरह, ठीक है इस तरह एग्जैक्टली फाइन। एंड इनिशियली हमारे पास होगा क्वांटिटी 1, ठीक है, लेकिन ये बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन खैर वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा एक डिलीट बटन टू डू द ट्राई इट हियर। वो किस तरह से है वो हमारे पास कुछ, वो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल। सो डिलीट सिंपली, ठीक है। नाउ इसका कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं है सो मैं करता हूँ क्लास कार्ड बटन। यहाँ पर मैं आता हूँ CSS में कार्ड बटन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। लेट्स सी या बॉर्डर नन एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये रो है इसको थोड़ा सा स्पेस मैं देता हूँ टू डू दैट राइट हेयर आई विल ऐड एम टी लेट्स से 20।
सो एम्प्टी का मतलब है मार्जिन टॉप, एंड राइट हियर एम्प्टी 20 मार्जिन टॉप 20 पैक्सल, 20 तो ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा है यार, 10 इस तरह, ठीक है। खैर क्लास नेम डिफरेंट है, क्लास नेम है MT20, सो मैंने किया यहाँ पर 10 पिक्सल। खैर इट डज़ मैटर, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा प्राइस, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। नाउ टू डू दैट आई विल गो टू कॉल टू यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस ये होगा डॉलर, स्पेन के अंदर मैं ऐड करता हूँ डॉलर, और उसके बाद होगा एक वाट स्ट्रॉन्ग टेगो, इसके अंदर होगा डबल ब्रेसेस प्रोडक्ट डॉट प्राइस इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे टोटल प्राइस हो, तमाम प्रोडक्ट्स हो, क्वांटिटीज वगैरह, ठीक है, यहाँ पे इस कॉल 3 के अंदर। सो लेट्स से अपना नंबर यूज़ करता हूँ लोअर सम डमी टेक्स्ट हो, ठीक है, इस तरह एग्जैक्टली इस तरह। यहाँ पे स्पेस ऊपर से क्यों है, हाँ ये क्यों ऊपर से है, ये आई थिंक अगर मैं जाता हूँ एन टू एप डॉट व्यू, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जस्ट अलाइन आइटम्स प्लेक्सो स्टार्ट, ओह इससे भी नहीं हुआ, ये यहाँ पे होना चाहिए टॉप में, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ। खैर ये हम बाद में देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये अब सही पोजीशन पे है, लेकिन इसको ऊपर होना चाहिए। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो प्राइस है ना, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज हो। टू डू दैट आई विल क्लिक हियर, इसका फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल, सो प्रोडक्ट प्राइस फॉन्ट साइज हो 24 पिक्सल, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों हर एक को जो हमारे पास ये रो है और ये रो है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। नाउ टू डू दैट आई विल सिंपली ऐड हियर मार्जिन, ये क्लास में कॉपी करता हूँ और ये मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर भी, इस तरह, ठीक है, हो गया कि नहीं, यहाँ पर नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ यहाँ पर बेस्ट होगा इस तरह, लेकिन आई थिंक थोड़ा कम तो नहीं है इतना, बस मेरे ख्याल में ठीक तो है। सो लेट्स सी, अब दोस्तों मेरे ख्याल में यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे यहाँ तक। अब मैं थोड़ा काम करता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर ये काम मैं करूँ बाद में तो भी ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं काम करता हूँ इस क्वांटिटी पे, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ सो यहाँ से क्वांटिटी मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ टू डू दैट आई विल गो टू राइट हेयर, एंड यहाँ पर मैं इसको मैं करूँगा बाइंड, ठीक है, इसको मैं करूँगा बाइंड, आई विल डिलीट नेम वगैरह, और बाइंड किस तरह होगा यार, होगा
यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं डिपेंड करता हूँ डेटा रिटर्न, अभी चेक तो ठीक है। लेट मी थिंक कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा। यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि बाकी काम मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और असल में रीज़न ये था कि मैं खुद ठीक नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है इसमें, क्वांटिटी अपडेट करना, डिलीट करना, और यहाँ पर प्राइस, टोटल प्राइस डिस्प्ले करना, और ठीक है ये तमाम चीज़ें अभी इसमें बहुत काम है, लेकिन मेरा सेट ठीक नहीं है। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसको दो वीडियोस में मैं कवर करूँगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ मुझसे। सो मैं आपसे दोबारा सॉरी करूँगा, और क्योंकि काम अब भी बहुत थोड़ा सा है, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए काफ़ी है, आपको जो भी इशू हो सो आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।